चलिए हम लोग बिजनेस स्टैट्स के एग्जाम के पैटर्न की बात करेंगे। इधर में एग्जाम में आपको पेपर कैसा आएगा, आपको टोटल शॉर्ट में 8 क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर थ्योरी और प्रॉब्लम दोनों मिक्स रहेंगे। शॉर्ट प्रॉब्लम्स में कौन से आ सकते हैं, एक मोड का प्रॉब्लम आ सकता, मीडियन का भी आ सकता, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबल एरर, कंकरेंट डिविएशन, स्क्यूनेस कैल्पियर्सन और हार्मोनिक मीन। मैक्सिमम आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे और ये जो शॉर्ट प्रॉब्लम्स है कल ये अपलोड हो जाएंगे आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर। थ्योरी जो लॉन्ग में हम लोग 9th पीरियड में थ्योरी दे रहे हैं मैक्सिमम इसमें से थ्योरी कवर होंगी आपको और शॉर्ट भी क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाएंगे। स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पार्ट्स ऑफ टेबल, मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा, एसेंशियल ऑफ गुड क्वेश्चनेयर, ये आपको क्वेश्चंस पढ़ना है थ्योरी में जो आपको शॉर्ट लॉन्ग दोनों भी कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट 9th के बाद बारी आती है 10th पीरियड। 10th पीरियड में तुम लोगों को दोनों भी डायग्राम्स के क्वेश्चंस रहेंगे। ऑलरेडी बार डायग्राम से रिलेटेड तीनों मेथड्स यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं और रिमेनिंग डायग्राम्स आज अपलोड हो जाएंगे। 10th में दोनों ए और बी में दोनों डायग्राम रहेंगे। अगर मान लो कि अगर एक थ्योरी क्वेश्चंस आएगा तो डायग्राम्स के बारे में ही आएगा, आपको उसके हर एक डायग्राम्स की मीनिंग पढ़ लीजिए क्योंकि डायग्राम में से एक आध मीनिंग आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत 2-3 लाइंस है तो डायग्राम्स के मीनिंग के बारे में भी देख के जाइए। 11th बिट में सेंट्रल टेंडेंसी है चैप्टर जिसमें आपको 5 मेथड है, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से ही आएंगे, हो सकता मीन मीडियन मोड तीन में से एक आए या फिर दोनों भी क्वेश्चन मीन मोड मीडियन से भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 12th बिट में 2 चैप्टर है, स्क्यूनेस और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। एक क्वेश्चन स्क्यूनेस से आएगा, एक क्वेश्चन डिस्पर्शन से आएगा। स्क्यूनेस में 2 मेथड कंपलसरी सीख के जाना है आपको, कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस और बॉयलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसकी चॉइस में मीन डिविएशन रहेगा जो डिस्पर्शन से आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन, क्वार्टल्स, तकरीबन बॉयली और स्क्यूनेस से ही रिलेटेड है। तो 12th बिट में एक्चुअली 2 चैप्टर है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, खाली कार्ल पियर्सन बॉयली भी करके गए तो बहुत बेटर रहेगा। नेक्स्ट 13 बिट तुम्हारा कोरिलेशन है, कोरिलेशन में 2 इंपॉर्टेंट मेथड है, एक कार्ल पियर्सन कोरिलेशन और दूसरा रैंक कोरिलेशन। ये तुम्हारा पेपर पैटर्न है।